अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट फैशन एंड क्राफ्ट। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल्स समर शूज़ पर मुश्तमिल है। समर शूज़ कह लें, सैंडल्स कह लें, क्रिएटिव नए और ख़ूबसूरत तरीन डिज़ाइंस जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं और बहुत ही स्टाइलिश वे में बने हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियों के लिए 1 ईयर से लेके 5 एंड 6 ईयर्स तक की बच्चियों के आपको शूज़ सैंडल स्टाइल में दिखाए जा रहे हैं। डिफरेंट कलर्स में हैं, डिफरेंट स्टाइल में हैं, डिफरेंट साइज़ में आपको ये मिल जाएंगे। बहुत सारे डिज़ाइंस जो आजकल काफ़ी इन हुए हैं, हम आपको वो दिखाएंगे जो कि पहने हुए बच्चियों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं और स्पेशली समर में इस तरह के जो सैंडल शूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं। तो आपने ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपके पास भी एक प्यारी सी बेबी गर्ल है तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि देखने से ही आपको काफ़ी सारा अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके की जो डिज़ाइनिंग है वो आजकल इन है, ताकि जब भी आप कभी लेने लगे तो आपको पता हो किस तरीके के स्टाइल्स, किस तरीके के डिज़ाइंस आजकल इन हैं और आप भी अपने बेबी के लिए वो चीज़ सेलेक्ट कीजिए ताकि जो फैशन के मुताबिक हो और बिल्कुल ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हों। तो डिज़ाइनिंग देख लीजिए कितनी प्यारी है और डिफरेंट कंफर्टेबल शूज़, लाइट वेट शूज़ जो है बच्चों पर पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल रहें। तो देख कर लीजिए ताकि पता हो आपको भी कि बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इसके ऊपर चुभने वाली ना लगी हो, वेट बहुत लाइट हो। जितना अच्छा खूबसूरत इसका लाइट वेट होगा बच्चा उतना ही कंफर्टेबल रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और भी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए नए से नए वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my